आरएसएस की जो एजेंडा है वो जो 2025 तक इस देश को एक 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 हिंदुत्ववादी देश बनाने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा है, इस देश में जो माइनॉरिटीज के खिलाफ आपको खड़ा होना है, उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदना है, उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना है, तो ये इस देश की मुसलमान और जो अन्य माइनॉरिटी कम्युनिटीज है वो तमाम लोग इस देश के दुश्मन है, उसी प्रकार बार बार ये बोलती आ रही है, जो सरकार बोल रही है, सरकार की मंत्रियाँ बोल रही है। हमारी संविधान में जो हक दिया है उस हक हम हर एक को दिलाना सरकार के काम है, ये नहीं कि पूजा करते जाए प्रधानमंत्री, इधर जाए उधर जाए पूजा करे और जनता की जो वेलफेयर के लिए कुछ ना करे। इस देश में बहुत सारे जाति है, धर्म है, तमाम जनता का है, किसी एक धर्म का नहीं है। नफरत छोड़नी है और भारत को जोड़ना है, संविधान बचाना है, ऐसा ही एक नारा दिल्ली के जंतर मंतर पर गूंज रहा है। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ती है कि बार बार भारत में इस चीज़ को याद दिलाया जाता है कि ये भारत किसी एक का नहीं है बल्कि सबका है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एनी राजा इस वक्त मौजूद हैं। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्यों ज़रूरत पड़ जाती है बार बार ये बताने की कि भारत सिर्फ किसी एक समुदाय का नहीं है बल्कि तमाम उन लोगों का है कि जिन्होंने भारत की आज़ादी में योगदान दिया। वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि बार बार देश की जनता को ये बताने के लिए संघ परिवारों से और बीजेपी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उसकी मंत्रियों की तरफ से, उसके पार्लियामेंट की संसद सदस्यों की तरफ से ये बात आ रही है, इस देश में जो माइनॉरिटीज के खिलाफ आपको खड़ा होना है, उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदना है, उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना है, तो ये इस देश की मुसलमान और जो अन्य माइनॉरिटी कम्युनिटीज है वो तमाम लोग इस देश के दुश्मन है, उसी प्रकार बार बार ये बोलती आ रही है, जो सरकार बोल रही है, सरकार की मंत्रियाँ बोल रही है, और जो हमने बोला नहीं है गोली मारो करके जो नारा दिल्ली का जो क्या है दिल्ली पे दिल्ली का सड़क पे जो एमबी ने और पार्लियामेंट मेंबर ने, बीजेपी का पार्लियामेंट मेंबर ने जो नारा लगाया वो हम बोला नहीं और बार बार रिपीट कर रही है और बोलिए कम्युनिटी को, माइनॉरिटीज़ को, आपको आपकी दुश्मन है, आपके आपके भगवान की दुश्मन है, आपका जनता की दुश्मन है, ये तमाम चीज़ें बोल रही है। क्या ऐसा है कि माइनॉरिटी तबका जो है वो वाकई इस तरह का है? क्या उनकी तरफ से हिंदुओं को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है? आप भी इतने समय से देख रहे हैं, कि आपको कभी ऐसा लगा कि जो मुसलमान तबका है वो ये चाहता है कि देश का जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, उसको ख़तरा पहुंचाया जाए? क्या वाकई हकीकत है ये? नो, ये जराचर झूठ है और ऐसा कोई कोशिश नहीं है। इस देश जितना इस देश में बहुत सारे जाति है, धर्म है, तमाम जनता का है, किसी एक धर्म का नहीं है, ये बात हम सबका है, जो संवैधानिक हक है इधर जीने का, काम करने का, अपनी जो जो परिवार को पालने का और एक इज्जत से जीने का अधिकार हमारी संविधान हमें देती है, उसके लिए काम करना, उसी और काम करना, ये सबका जो हक है वो हक को लेके हम काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि ये कोई एक धर्म के खिलाफ कर रही है। तो इधर बात ऐसा है कि जो आरएसएस की जो एजेंडा है वो जो 2025 तक इस देश को एक 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 हिंदुत्ववादी देश बनाने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा है, उस एजेंडा के पहुंचने के लिए जो उनके सामने जो दुश्मन की तौर पे खड़ा है या उनकी जो ब्लॉकेड के तौर पे खड़ा है वो देश की माइनॉरिटी है, खास कर मुस्लिम माइनॉरिटी है, इसलिए उनके खिलाफ इतना बड़ा एक नफरत फैलाती है। और ये भी आप देखिए कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रही है उसमें कोई अत्याचार करने अत्याचारियों में हिंदू भी है, इस्लाम भी है, ईसाई भी है, सब धर्म का है, मगर कहीं पर भी एक मुसलमान जो महिला के ऊपर जुल्म कर रही है उसको उठाकर फिर इस देश में जो जो लव जिहाद के नाम पे और कन्वर्शन के नाम पे, जो धर्म परिवर्तन के नाम पे, ऐसे ऐसे कभी कई आरोप ला के
मुसलमान कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को इतना उसके ऊपर एक एक तरफ का एक नफरत बदनाम कर रही है, वो एक अलग बात है, मगर नफरत पैदा कर रही है बाकी तमाम जो धर्मों के बीच में। तो ये एक चीज़ बार बार हो रही है, इसलिए दिल्ली का महिला आज खड़ा होकर हम बोल रहे हैं कि नफरत के खिलाफ हम खड़ा है, संविधान के पक्ष में खड़ा है और हमारी एकता हमारी ताकत है, ये बात हम बोल रही है। आपने एक चीज़ और कही अपनी स्पीच में, मैं सुन रहा था कि तलवारें नहीं चाहिए घरों में, हमें बंदूकें नहीं चाहिए, तीर नहीं चाहिए, भाले नहीं चाहिए, हमें राशन चाहिए। तो कौन बांट रहा है तलवारें और कौन कह रहा है आपसे तलवार रखिए? नफरत की बात बोलने वाली, हाँ। नफरत की बात बोलने वाली जो एक अनहिलेशन की बात कर रही है, जो माइनॉरिटी की अनहिलेशन की बात कर रही है, और हिंदुत्व सॉरी दलितों की अनहिलेशन की बात कर रही है, जो ट्राइबल की अनहिलेशन की बात कर रही है, तो ये तमाम चीज़ें हम देख रही है। तो इसलिए हम बोल रहे जो नफरत की तलवार नहीं हमें नहीं चाहिए, नफरत की जो जो बंदूक हमें नहीं चाहिए, नफरत की ऐसा कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एकता चाहिए। हमारी संविधान में जो हक दिया है उस हक हम हर एक को दिलाना सरकार के काम है, ये नहीं कि पूजा करते जाए प्रधानमंत्री इधर जाए उधर जाए पूजा करे और जनता की जो वेलफेयर के लिए कुछ ना करे, ये भी नहीं। तो एक चीज़ और कही जाती है कि आप लोग मुसलमानों का तो फेवर करते हैं लेकिन हिंदुओं का फेवर आप लोग नहीं करते हैं, क्या ये सच है? अभी श्रद्धा का मामला चल रहा है तो उस पर लेकर भी लोग ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई श्रद्धा के लिए आवाज़ नहीं उठाते, बिल्कीस बानों के लिए आवाज़ उठाते हैं ये लोग। हम किसी का धर्म या जो विक्टिम का धर्म या गुनहगार का धर्म देके वो देके हम इसमें काम नहीं कर रहे और आवाज़ नहीं उठाएगी। जुर्म कोई भी करे जुर्म है, क्राइम कोई भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे दलित हो चाहे ईसाई हो, जो भी करे जुर्म जुर्म होती है, क्राइम क्राइम होती है, विक्टिम जो भी धर्म का हो वो विक्टिम है। तो इसके क्राइम के अगेंस्ट हम आवाज़ उठा रहे हैं, वो हम चाहे कहीं पर भी हो क्राइम के अगेंस्ट है, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट है, और क्रिमिनल्स को जो बचाने वाला जो ताकतें होती है, हमने अभी देखा है कि जो बिल्किस का जो गुनहगार है जो उनको रिहा किया है और उसको कैसे कैसे रिसीव किया है, जो वेलकम किया है। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे देश 75 साल की आज़ादी हम मना रहे हैं, इस 75 साल की आज़ादी के अंदर महिलाओं ने बहुत कुर्बान करके देश में बहुत सारा महिला पक्ष वाली कानून बनाई है, वो तमाम कानूने आज मीनिंगलेस हो गया है। ये रेमिशन जैसा, एक यदि गुनहगार को आप ऐसा ही छोड़ेगी कानून का क्या ज़रूरत है? जो कानून जो हमने बनाई है उसका क्या वैल्यू है? तो ये तमाम चीज़ें हम देख रही है, इसलिए हम बोले क्राइम को कोई धर्म नहीं है और क्रिमिनल्स को कोई धर्म नहीं है। लेकिन क्या ये सच है कि धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है, धर्म के आधार पर सजाएँ दी जा रही हैं, धर्म के आधार पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? आजकल ज़्यादातर यही देख रहे हैं हम, आजकल ज़्यादातर यही देख रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ये देख रहे हैं, यदि दलित के खिलाफ देख रहे हैं, दलित यदि शादी के वक्त घोड़े पे बैठ गया तो उसका ऊपर ये है, दलित यदि एक शू पहनेगा तो उसका ऊपर है, और दलित एक लड़का मूछ लगाएगा तो उसका खिलाफ है, और दलित लड़की या महिला जो कुएं से पानी निकालेगा तो या टैप से नल से पानी निकालेगा तो उनको मारेगी, ये तमाम चीज़ें हम देख रही है। तो ये ऐसा है कि नफरत हर दलितों के ऊपर हो रही है, दलित के खिलाफ हो रही है, आदिवासी के खिलाफ हो रही है, माइनॉरिटीज के खिलाफ ये नफरत बढ़ा रही है, नफरत बढ़ाने का बातें रख रही है संघ परिवार संगठन आरएसएस बीजेपी। आरएसएस का मकसद क्या है? हिंदू राष्ट्र। कामयाब हो पाएंगे उसमें भी? बिल्कुल नहीं। जब तक इस देश में जनवाद में विश्वास रखने वाला ताकत रहेगी तब तक उनका जो लक्ष्य कभी सफल नहीं हो पाए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एनी राजा इस वक्त मौजूद थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सब चीज़ें आरएसएस के एजेंडे पर की जा रही हैं और इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उनको बदलना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए देश की जनता सड़कों पर उतर रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ एमएक्स के लिए साहिल नकवी।